नमस्कार, BCN News के खास मुलाकात में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब इंटरनेट को डेवलप किया गया था तब शायद ही इसके निर्माणकर्ताओं को ये पता होगा कि इस इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। इस इंटरनेट का या साइबर स्पेस में जो भी क्राइम होते हैं उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। इसके एनोमस नेचर के कारण ही क्रिमिनल एक्टिविटीज की शुरुआत होती है, और ऐसे लोग जिनका थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंस है वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। साइबर क्राइम की फील्ड दिन ब दिन इमर्ज होती जा रही है और क्रिमिनल एक्टिविटीज के नए फॉर्म साइबर स्पेस में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक इंटरनेट यूजर को इन साइबर क्राइम के विषय में जानकारी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जानकारी में ही समझदारी है। माना कि इंटरनेट का लोगों को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसके साथ कई यूजर्स साइबर क्राइम का शिकार बन रहे हैं। इसके लिए इन सबसे बचने के लिए आपको और आपके डाटा या इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना सबसे जरूरी है। आज इसी संदर्भ में अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहायक पुलिस निरीक्षक केशव वाघ। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपके इस शो में, खास मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, आज आपका कीमती समय देकर आज हम हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। कई बार हमने सर देखा है कि कई लोग साइबर क्राइम इस टर्म के बारे में जानते तो है, लेकिन उन्हें असल में साइबर क्राइम क्या है इस बारे में नहीं पता होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस विषय में अधिक जानकारी साझा करें। पहले तो मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद, और आप लोकशाही का चौथा स्तंभ है, और आपके तरफ से ऐसा जन जागृति वाला कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल को और आपको भी। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर अगर कोई क्राइम होता है तो होता है साइबर क्राइम। कभी कभी इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई एक आधा चिप लगा देता है और उससे जानकारी निकाल लेता है। कोई एक अपना पेन ड्राइव लगाया, उसमें की मालूमात जो है उसने कॉपी कर लिया और उसका कुछ गलत इस्तेमाल कर रहा है, खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और सामने वाले के नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये भी होता है। इस तरीके से अपन साइबर क्राइम का परिभाषा समझ सकते हैं। ओके सर, हमने देखा है कि अक्सर साइबर अपराध के कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और हमेशा ये जो साइबर अपराधी है वो अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि असल में साइबर क्राइम में कितने प्रकार होते हैं और इसके कितनी कैटेगरीज को विभाजित किया गया है। वैसे देखा जाए तो साइबर क्राइम में दो मुख्य प्रकार है, एक आर्थिक प्रकार है, दूसरा है सोशल प्रकार। आर्थिक प्रकार में जिससे सामने वाले को आर्थिक नुकसान होगा और उसे आर्थिक फायदा होगा, ये हो गया साइबर का आर्थिक वाला। और जो सोशल वाला है, जिससे कि इस किसी का इमेज डैमेज करते हैं या फिर अपनी इमेज को फायदा करने के लिए किसी की इमेज को जानबूझ के नुकसान करना, या फिर कोई नेता को गाली गलौज या फिर किसी धर्म को गाली गलौज, ये सोशल में देखा जाएगा। ऐसे में बहुत सारे प्रकार आते हैं। अपन देखेंगे अगर चीटिंग में आता है, जैसे कि किसी को जॉब लगा कर देता हूँ, ऐसा कोई जाहिरात हमें दिखाई देता है और उसमें लोग अपना फॉर्म भरते हैं, रिज्यूम भरते हैं, उसके लिए वो प्राथमिक फीस मांगते हैं, फिर उसके बाद में अलग अलग प्रकार की फीस मांग मांग के उससे हजारों लाखों रुपए ले लेते हैं, और वो जॉब फ्रॉड हो गया। वैसे ही लॉटरी का फ्रॉड होता है, जो लॉटरी हमने कभी निकाली ही नहीं, वो लॉटरी के बारे में बताया जाता है कि हाँ तुमने जीता है, हाँ। ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति के नाम से, आप 25 लाख रुपए जीते हैं, तो जो हमने खेला नहीं है, जिस चीज का हमने कुछ पता ही नहीं है वो चीज को कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो उसका पैसा मिल सकता है। और वो पैसा लेने के लिए अलग अलग प्रकार की वो लोग फीस बताते हैं, और वो फीस लेने दे के खुद के हजारों रुपए भर देते हैं, और ऐसे ही अनगिनत फ्रॉड्स है। सोशल मीडिया के भी फ्रॉड्स है, किसी का फेक अकाउंट बना देते हैं, किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं, हैकिंग में आता है, सोशल मीडिया का हैकिंग कर लेते हैं, ईमेल का हैकिंग कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार इसमें आते हैं। तो आप
सर जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब इतने सारे प्रकार है, कहीं ना कहीं लोगों को पता होता है कि हमने इस चीज में पार्ट नहीं लिया है, फिर भी वो लोग इस चीज का शिकार बन जाते हैं बिना कुछ जाने समझे। और ऐसे ही कुछ बीते कुछ दिनों से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसके मामलों में भी इजाफा देखा जा रहा है। इस विषय में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है चाइल्ड पोर्नोग्राफी और क्यों इतना अधिक ये बढ़ रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक सीरियस क्राइम है। 18 साल की लड़की या लड़के का वीडियो अपने पास रखना, उसे प्रसारित करना, ये क्राइम कहलाएगा। तो ये क्राइम कैसा होता है कि कोई बच्चा का या लड़की या लड़के का नग्न चित्र है या कोई चलचित्र है, वीडियो है, वो अगर कोई अपने पास रखता है या फिर उसे कोई किसी को ट्रांसमिट करता है तो वो 101% क्राइम ही हो गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की व्याख्या में ये बहुत सारा डेफिनेशन आ गया है। इसमें लोग कैसे फंस रहे हैं, जैसे कि दो कोई मित्र है, किसी का इंस्टाग्राम आईडी है, उसको बहुत उसने मेहनत करके बनाया है, उसका एक प्रोफाइल है उसमें। अच्छा। अगर उसका प्रोफाइल सामने वाले किसी को खटकता है तो उसका प्रोफाइल बंद करने के लिए लड़के उसको कहते कि ये छोटा सा न्यूड वाला, एक आधा छोटा सा मजाक वाला भी रहेगा, ऐसा दिखा के उसको कहेगी कि तुम्हारे अकाउंट से मेरे वॉल पे उसको पोस्ट कर दो, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या किसी अन्य सोशल मीडिया पे। ऐसा वीडियो पोस्ट करने के बाद उसका अकाउंट तुरंत सबके नजर में आ जाता है, खासकर वो कंपनी के प्रोवाइडर के, और वो प्रोवाइडर वो अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं और उसकी पूरी जानकारी हमारे पास में भेज देते हैं। भारत सरकार के थ्रू संबंधित पुलिस स्टेशन में आ जाएगी। ऐसा कर करके इसमें बहुत सारे गुनहगार बन जाते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सर्च ही ऐसा करते हैं, जैसे नैतिकता का अधपतन कहा जा सकता है, उसके कारण वो लोग वो देखते हैं। और ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के कारण समाज में बहुत सारी कुप प्रथा दिखाई दे रही है, जैसे कि 14 साल के बच्चे ने अभी फिलहाल में एक घटना आई थी कि छोटी बच्ची पे रेप कर दिया, या फिर हमारे नागपुर में ही और एक केस थी जिससे राजस्थान का एक लड़का था, उसने नागपुर के 14 साल की लड़की के न्यूड फोटो उसे मांगे और फिर उसे वो ब्लैकमेल कर रहा था। ये सारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा। जैसे राजस्थान के बच्चों को पकड़ा गया, अभी उसको जेल हुई, आगे उसको सजा भी होगी न्यायालय की तरफ से। ये बहुत गंभीर प्रकार है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जिस एज में बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स, ये सारी चीज़ें सम सीखने चाहिए, उस एज में कहीं ना कहीं यूथ जो है इस चीज़ में डाइवर्ट हो रहा है। जिस तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले बढ़ रहे हैं, इनमें इजाफा हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी रोकथाम किस तरह की जा सकती है, मतलब क्या उपाय है इसकी रोकथाम के लिए? इसकी रोकथाम के लिए हमें सारे लोगों को बताना चाहिए, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत गंभीर प्रकार है जिसको 7 साल जेल में रहने की सजा हो सकती है और अलग से आर्थिक भुर्दंड भी न्यायालय आपको दे सकता है, लाखों रुपए तक का जुर्माना इसमें लग सकता है। इसलिए कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के पीछे ना दौड़े, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ना देखे। जैसे कि हमने 2020 में तकरीबन 21 गुने दाखिल किए थे, 2021 में भी 15 गुने दाखिल किए हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहीं आप सर्च भी ना करें, किसी वेबसाइट पे ना डालें, कि यूथ को मेरा आह्वान रहेगा, नहीं तो आप देश का भविष्य है, आपके घर परिवार का भविष्य है, तो आप पे अगर गुने दाखिल हो जाएंगे तो आगे कैसा होगा। इसलिए आपने जन जागृति लाकर अन्य दोस्तों को भी ऐसा बताना चाहिए। जो दोस्त आपको बताता है कि ये वीडियो इधर मेरे को भेजो, उसको भी हमने आरोपी बनाया था पिछले केसेस में, और उसको जिसने भेजा है उसको तक आरोपी बनाया था, क्योंकि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो अपने पास रखना भी गुनाह है और उसको ट्रांसमिट करना भी गुनाह है। ओके।
मतलब कहीं ना कहीं जितने भी यूथ है उनको ये समझने की जरूरत है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक क्राइम है। इसे किसी भी तरीके से अपने पास रखना या किसी और को ट्रांसफर करना एक कानूनी तौर पर गलत है, और इसकी रोकथाम के लिए हमें खुद ही इसकी जनजागृति होनी चाहिए, मतलब खुद ही समझना चाहिए चीज़ों को। और वैसे भी जो साइबर क्राइम सेल है उनकी ओर से इस बारे में जनजागृति भी की जाती है कि इस तरह की कोई भी अगर साइट आए, वेबसाइट आए आपके पास, तो उसको ट्रांसफर ना करें और जो आपको भेजता है उसके बारे में बता दें। सर, बीते कुछ दिनों से कहीं ना कहीं सेक्सटॉर्जम के मामले में भी इजाफा देखा जा रहा है, मैं आपसे इस संदर्भ में जानना चाहती हूँ। सेक्सटॉर्शन ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है। फेसबुक पे आपको किसी सुंदर लड़की का मैसेज आ सकता है, लड़कों को, या लड़की है या कोई औरत है उसको किसी लड़के के नाम से मैसेज आ सकता है। वो दिखने में एकदम हैंडसम वाला फोटो लगा देंगे और वो फोटो देखने के बाद सामाजिक भाव ये है कि विरुद्ध लिंगी आकर्षण रहता है तो आदमी उसको पसंद कर सकता है, या फिर कोई लेडी है तो उसको पसंद आ सकता है। हाँ। तो वो लोग अपने को कहते हैं कि आप आपका फेसबुक ये व्हाट्सएप का फोन नंबर दे दो, या फिर फेसबुक से ही आपको कॉल कर सकते हैं। वो वीडियो कॉल आने के पहले वो पहले ही बता दे कि आप थोड़ा साइड में आ जाओ। उनका ट्रेंड ये रहता है कि थोड़ा साइड में रहेगा तो कंफर्टेबल रहेगा, और वहाँ बुलाने के बाद में वो लोग उसको अपना लड़की है लड़की को सामने कपड़े उतारे वाला ऐसा सीन सब दिखता है। हाँ, वो न्यूड होती है उसके सामने ऐसा उसको दिखता है, और फिर वो सामने से पूछती है कि आप क्यों कपड़े पहने हैं, आप भी उतारो, ये दिखाओ वो दिखाओ। अगर वो उसमें उसके कहे अनुसार हो गया उसने किया तो फिर वो उसको ब्लैकमेल करता है। हाँ। लड़के है तो कम से कम हमारे पास आते हैं, तो माताओं और भगिनियों आप के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत गंभीर होगा। आपको चार दीवारी के बाहर निकलने के पहले आजकल थोड़ा मुश्किल है, हमारे यहाँ तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण भाग में है वो महिलाओं को पुलिस थाने तक आना आज भी मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। और ऐसी कुछ घटना होती है तो पहले तो उनको ही ब्लेम किया जाता है। इसलिए मेरा ये कहना रहेगा कि ऐसा जो होता है इसके लिए हमने पहले जागरूक रहना है, अपने अड़ोस पड़ोस में सबको जागरूकता लाना है कि ऐसा कुछ है कि इसके बाद में जो होता है वो पैसा मांगा जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपन ने डरना नहीं है, अपन नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाए, या फिर आप खुद भी इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। जैसे कि उनका जो फेसबुक का अपना फेसबुक है उसको पहले सिक्योर करें, जो सामने वाला लड़की या लड़का है उसका अकाउंट रिपोर्ट करके ब्लॉक करें कि ये हमें हरेसमेंट कर रहा है, ऐसा रिपोर्ट कर सकते हैं आप वहाँ पे। okay. रिपोर्ट का जो फैसिलिटीज रहता है 3 डॉट पे जाके आप उसका रिपोर्ट कर सकते हैं उसके आईडी का, और अपने आईडी का सारा सुरक्षा आप रखना चाहिए। आपको जो भी व्हाट्सएप नंबर से ज़्यादातर कॉल आता है वैसे नंबर से डरे ना, उस नंबर को सीधा ब्लॉक करें और उसको रिपोर्ट करें अगर नए नए नंबर से उसको कुछ आता है। हाँ, एक करके अपना जो चैट आया है उसको आप सुरक्षित रखें जो आपको धमकियां दे रहा है। आगे चल के भविष्य में उसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई करना है अपने को तो वो निश्चित काम में आएगी और आपको पूरी मदद मिलेगी। ओके, मतलब कहीं ना कहीं खुद की सिक्योरिटी को भी हमको देखना, मतलब फेसबुक वगैरह जो है वो सिक्योर करना है ताकि ऐसी चीज़ों से हम बच सके। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ ये केस होती है तो जल्द से जल्द जितने भी नज़दीकी पुलिस थाना है उसके अंदर कंप्लेन करा दे या फिर साइबर सेल के पास आ जाए ताकि वो आपकी मदद करें। मतलब हिचकिचाना नहीं है और इसके बारे में शिकायत ज़रूर करनी है। कहीं ना कहीं मुझे अमेरा से एक ये भी सवाल था कि जिस तरीके से सेक्सटॉर्शन के मामलों में बढ़त देखी जा रही है तो इसकी मूलतः वजह क्या हो सकती है, मतलब सेक्सटॉर्शन इस वजह से बढ़ रहा है, इस बारे में जानकारी जानना। सेक्सटॉर्शन मुझे लगता है पर्सनली एक माइंड गेम है। जैसे हम 5,000 साल पहले की एक बहुत अच्छी संस्कृति है हमारे यहाँ, ये नग्नता को अच्छे से नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा कुछ उदाहरण देखें, जैसे कहा जाता है कि रंभा ने एक ऋषि का तपस्या भंग किया था। अगर ऋषि का तपस्या भंग हो सकती है तो हम तो आम आदमी हैं, हमारे को थोड़ा अगर कुछ दिखता है तो हमने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया है, ये पहले आप ध्यान में रखना। और किसी के साथ हो गया है तो उसको भी आप इस नज़र से देखना चाहिए।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और वो साइकोलॉजिकल खेल रहे हैं कि आपके साथ में वो जो वीडियो वगैरह भेजते हैं, एक्चुअली वो जो लड़की न्यूड होती है ऐसा जो दिखता है हमें, वो कोई लड़की नहीं रहती है, तो एक वीडियो चलाया जाता है उधर से। अच्छा हाँ, तो ये कई लोगों को पता नहीं, ये कई लोगों को पता ही नहीं है। फिर उधर से कहा जाता है कि हम YouTube से बोल रहे हैं, वो लड़की का कंप्लेंट है, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है तो लोग डर जाते हैं। डरने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा उनको ब्लॉक कर दो और हमारे पास में आप कंप्लेंट देने के लिए आ सकते हैं। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं जितना भी मतलब लोगों को लगता है कि वो लड़की खुद होके ये कर रही है, वो अब तक पता नहीं था कि वो एक वीडियो क्लिप के जरिए होता है और वो पूरा पहले से उनका पूरा माइंड गेम वो खेलते हैं लोगों के साथ, लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और उसके बाद ये पूरा गेम रचते हैं। सर कहीं ना कहीं एक और ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है कि अपराधी है वो फर्जी ATM कार्ड के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा रहा है, तो मतलब ये इस बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से अपराधी फर्जी ATM कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा सकते हैं, इस बारे में। हम किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे अब कार्ड स्वाइप करते हैं, POS मशीन पे कार्ड स्वाइप करते हैं, या फिर किसी ATM में जाते हैं, वहाँ पे कार्ड स्वाइप करते हैं, अपना पिन नंबर डालते हैं, जहाँ पे अपन कार्ड स्वाइप करने वाला चीज जाता है वहाँ पे अपना, अगर वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वाला चिप बिठा दिया जाए तो वो अपना पूरा डेटा कॉपी कर सकता है। अगर अपना पिन नंबर डालते हुए अपन ने आजू बाजू कैमरे है वो नहीं देखे तो अपना पिन नंबर भी उनको पता चल सकता है। अच्छा। और ये डेटा अगर कोई बाहर भेजे और उससे कोई नया कार्ड बनाए, ब्लैंक कार्ड में अपना डेटा उसमें भर के वो पिन नंबर डाले तो अपना पैसा निकल सकता है। इसलिए ऐसी जगह पर जाने के बाद हमने अधिक सावधानता, अधिक सतर्कता से काम करना चाहिए। okay. यही कहना चाहूंगा। सर मतलब कहीं ना कहीं ये जरूरत है लोगों को समझने की, जब ATM यूज कर रहे, क्योंकि लोग ATM का यूज करना तो खैर बंद नहीं कर सकते, पर जब हम ATM का यूज कर रहे तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आजकल कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि विदेशी नंबर के जरिए लड़कियों को कॉल कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। ना सिर्फ लड़कियों को कॉल किया जाता है बल्कि उनके परिवार वालों को भी फोन करके परेशान किया जा रहा है। ऐसे समय में किस तरीके से साइबर पुलिस कार्यरत है, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी ऐसे जो नंबर्स आते हैं उस नंबर पर हमारी तरफ से पूरा कार्रवाई किया जाता है, जो उसका SDR निकाल के उसका पत्ता मिल सकता है अपने को, अगर अपने देश का नंबर है। अगर बाहर के नंबर है तो उसके बारे में हम उसका IP निकाल के उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। जो बाहर से नंबर एक्चुअली में दिखता है वो एक्चुअली में बाहर का विदेशी नंबर नहीं रहता है, वो कहीं अपने ही से कोई टॉर्चर करने के लिए कोई VPN वाला नंबर यूज कर सकता है और इसका जानकारी हमें मिल सकता है, आप बिंदास इसका कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके सर कहीं ना कहीं FB के जो हैकर्स होते हैं वो परिचित लोगों का या फिर किसी एक के नाम से इमोशनल कोई बहाना बनाकर पैसे मांगते हैं और ये नया ट्रेंड कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इस बारे में आप क्या बताएंगे? इसमें दो प्रकार आते हैं, एक तो किसी का अकाउंट के सारे फोटो लिए जाते हैं फिर उससे नया अकाउंट बनाया जाता है, और दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर ही उनका पासवर्ड रहता है, तो ऐसे मोबाइल नंबर ही पासवर्ड वाले जो अकाउंट्स है वो हैक करने में एकदम इजी है, हैक करने का कोई चीज़ ही नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाया उसका वही डाल दिया मोबाइल नंबर तो वो उनका काम हो सकता है। वो फोटो देखने के बाद उन्हीं का नाम अगर यूज करते हैं तो सामने वाले को तो लगेगा कि ये जेन्युइन अकाउंट है, और कई बार तो वो जेन्युइन ही रहता है जो इस तरीके से अनऑथराइज उसका कब्जा लिया वाला रहता है वो लोगों ने। ऐसे समय में वो किसी को डिमांड करते हैं कि मैं फोटो वगैरह भेज देते हैं कि बच्ची कोई बीमार है, मुझे जरूरत है, हॉस्पिटल में है, हाँ। ऐसा वाला फोटो भेजते हैं और उनको मैसेज करते हैं कि मेरी बेटी बहुत बीमार है या फिर बेटा बीमार है या फिर खुद बीमार हूँ, कोई फोटो ऐसा भेजने की मार लगे वाला जिसमें चेहरा समझ में नहीं आएगा और मुझे अत्यंत आवश्यकता है पैसों की, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये अकाउंट पे इतने इतने पैसे भेज दो। लोगों को सच लगता है तो लोग उस पर पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी है, उसको फ़ोन करना चाहिए। फ़ोन नहीं लगता है तो किसी अड़ोस पड़ोस के लोगों को फ़ोन करके पूछो कि क्या ये सही में है,
मैं तो कहूंगा कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो तो पहले जाके उसको घर घर जाके देखो या फिर उसके हॉस्पिटल जाके देखो, फिर आपको मदद करना है तो आप मदद करो, नहीं तो ये केवल धोखा ही हो सकता है आपके साथ में। और ये फोटो जो है इसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि अपना फोटो जो है प्रोफाइल लॉक करके रखना चाहिए, सिर्फ अपने दोस्त जो है जो फ्रेंड्स है उनको अपना फोटो दिखना चाहिए, अन्य किसी को नहीं दिखना चाहिए। अगर ये सुरक्षा करते हैं तो ये ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। या फिर जो लोग अपनी पहचान के नहीं है उनको कभी फ्रेंड ना बनाएं, और बनाते हैं तो फिर ऐसा धोखा होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपको मदद भी करनी हो तो वो पूरी जांच परख के करे कि मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बार सोशल मीडिया पे कुछ जो मैसेज आते हैं वो कुछ सही रहते हैं और कुछ बहुत गलत भी रहते हैं। तो अगर आपको मदद करनी है तो पहले चीज़ों को जानो अच्छे से, पुष्टि कर लो उन चीज़ों की, और उसके बाद ही किसी जरूरतमंद को मदद करे, ये जानना लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। सर कई बार लोग जो है कतराते हैं साइबर पुलिस के पास आने के लिए, उनको लगता है कि अगर हम साइबर पुलिस में गए तो फिर भी क्या होगा, कहीं ना कहीं बदनामी ही होगी। तो ऐसे मामलों में साइबर पुलिस क्या अपील करता है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। जी, मैं साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ से ये अपील करना चाहूँगा कि आपको अगर कोई ऐसा लगता है कि ये मुझे जानकारी किसी को नहीं देना है और ऐसी वाली कोई केस है तो इसकी जानकारी हम किसी को भी नहीं देते हैं। बहुत सारी केसेस तो जैसे किसी का नकली अकाउंट बना है, कोई अकाउंट किसी ने अनऑथराइज उसका ताबा ले लिया है, या फिर व्हाट्सअप किसी का हैक हुआ है, लोग अगर हमारे पास आते हैं तो ऐसे लोगों का तुरंत जगह पे उसका सोल्यूशन देने का हम कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वहीं पर समाधान ही होती कि हाँ हमारा अकाउंट का हमको ताबा मिला है, हमें आगे का कोई नहीं करना है, हमको कोई झमेले में नहीं पड़ना है। अगर आप उस पर केस भी करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू अगर कोई आते हैं तो उनको बिल्कुल उनका पूरा सुना जाएगा, उनका रिपोर्ट लिया जाएगा। लेकिन आते समय आपने एक एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस अकाउंट का आपका कंप्लेंट है, जिस अकाउंट के खिलाफ में, उसका एक URL रहता है जो सबसे ऊपर दिखेगा, या फिर उसको अगर कॉपी करते हैं आप सेंड करने के बाद तो वो व्हाट्सएप पे आएगा, तो उसको आपको URL दिखेगा। एक URL के साथ में उसका एक फोटो अपने को जरूरी रहेगा जो अकाउंट है, क्योंकि तो सेम नेम के सेम अकाउंट बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसमें ये एक बरतना चाहिए। और आते समय एक अपना आधार कार्ड का एक फोटो लाइए, फेसबुक के इंस्टाग्राम के ऐसे IDs में अपन ये दोनों सामने भेज देते हैं ताकि उसका वो कंपेरिजन होता है ऑथेंटिफिक है या नहीं है वो होता है, और फिर बाद में वो अकाउंट डिलीट हो जाता है और सामने का मालूमात हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर बैंक के संबंधित है, कोई आर्थिक घोटाला हुआ है, कोई फसवणूक हुई है, आर्थिक फसवणूक, इसके बारे में अपने जो भी बैंक का डिटेल्स रहता है, UPI से हो गया है, कोई ऐप से वगैरह हो गया है, तो उसमें बैंक का सारा कागज लाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बैंक का बैंक में पैसे भरे हैं, किसी अकाउंट में भरे हैं, या फिर UPI से कोई अपना OTP लेके किसी ने बिना समझ के ही कोई काम किया है, तो ऐसे समय में आपने वो बैंक का स्टेटमेंट लाना चाहिए कि ताकि सामने कहाँ पे पैसे गए हैं और सामने हम उनको मेल करके आपके पैसे बचा सकेंगे, ये मेरा आह्वान रहेगा। ओके सर, कहीं ना कहीं मतलब एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि BCN के जरिए आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको क्या एक मैसेज दोगे? जी, मैं पहले तो ATM के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है आप वहीं से पैसे निकालने का कोशिश करें। अगर अर्जेंट ही है तो ऐसे जगह पे वो जहाँ अपन कार्ड स्लॉट डालते हैं वहाँ पे थोड़ा सा खींच खाच के देखिए कि कहीं ये फर्जी तो नहीं, इधर कुछ ऊपर से तो नहीं लगा है। जहाँ अपन पिन नंबर डालते हैं उसको भी थोड़ा हाथ लगा के देख लेना कि आपको समझ में आएगा कुछ नया है ये जो ऊपर जो लगाया हुआ है, क्योंकि तो एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रहता है और वो प्लेट अपना रिकॉर्ड करता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आजू बाजू में कोई छोटा सा कैमरा लगा हो, अपन उस समय अपना हाथ ऊपर रख के पिन नंबर डालना चाहिए। ये हो गया अपने ATM का बचाव। ATM का पिन कभी भी नहीं किसी को बताना है। कोई बैंक से फ़ोन कर रहा है ऐसा कहता है और कुछ अपने को पर्सनल जानकारी मांगता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, बैंक से लिंक कौन सा है, इसकी जानकारी हमें देना नहीं है। और कोई लिंक आता है सेम हमें दिखेगा कि बैंक का लिंक है या फिर
कोई मोबाइल कंपनी का सिम बंद पड़ गया है ऐसा बोल के भी लिंक रहता है, वो लिंक को भी अपन ने कभी क्लिक नहीं करना है। जो भी हमें प्रॉब्लम है, बैंक का प्रॉब्लम है तो हम बैंक में जाएंगे, अगर बैंक से कोई बोल रहा है, बैंक के मैनेजर के नाम लेके कोई कोई लोग बोलते हैं, तो ऐसे समय में हमने जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उस बैंक के बैंक मैनेजर का नंबर हमारे पास रहना चाहिए। ज़्यादातर बैंक में उनका बैंक का एक अलग से नंबर रहता है, बैंक मैनेजर का रहता है। Okay. और कोई बैंक मैनेजर आपको अपनी प्राइवेट जानकारी नहीं मांगता है, खाते के संबंधित तुम्हारे 16 आंकड़े या फिर पीछे के 3 आंकड़े बताओ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और इससे सावधान रहना है, कोई लिंक नहीं दबाना है, और जो अपने अकाउंट फर्जी ना बने इसलिए आपने उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जो भी है उसका पहले सिक्योरिटी करना है। हमारी फ्रेंड लिस्ट हर एक को दिखना नहीं चाहिए, वो हमारा पर्सनल फ्रेंड लिस्ट है, वो हमें ही दिखना चाहिए, ऐसा कोई सेटिंग करके रखना चाहिए, जब जाके आप ब्लैकमेलिंग का वगैरह शिकार नहीं होंगे या फिर आपके नए अकाउंट फर्जी अकाउंट नहीं बनेंगे। अगर कोई पैसे मांगता है तो उसका खातिर करना चाहिए, तो हमने पहले ही बता दिया है। तो इस तरीके से मैं आप सबको बोलना चाहूँगा। और अभी त्यौहार आ रहे हैं, कोई फर्जी खाली वेबसाइट दिखेगी जिसपे बहुत कम से कम दामों में आपको कुछ मिल रहा है ऐसा दिखाया जाएगा, तो उसमें भी सावधान रहना चाहिए। और जिस चलन का अभी कुछ वर्चुअल करेंसी आई है, तो जो करेंसी का कोई ऑफिस ऑथराइज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसका ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, कहीं नोंदनी नहीं है उसकी, वो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचे। कोई करेंसी को क्या भारत सरकार ने किसी कायदे के तहत मान्यता दी है, ये भी हमें सोचना चाहिए, उसी के बाद में जो फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इसमें चीटिंग होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई और अपनी इज्जत, इन दोनों को बचाने के लिए आप सबको मैं भावी आयुष्य के लिए भी शुभेच्छा देता हूँ। खासकर मैं माताएं और भगिनों को बताना चाहता हूँ कि आप हमारे पास बिन दिक्कत आ सकते हैं, आपका कोई जानकारी कहीं पे भी शेयर नहीं होता है, आप बिंदास आप यहाँ आके हमारे साइबर में बता सकते हैं कि हमारे साथ में ये ब्लैकमेलिंग हो रहा है या फिर ये जो भी चीज़ हो रहा है आर्थिक व्यवहार का हो या कुछ भी हो, आप आइए बिंदास होकर आइए, हम आपका जानकारी किधर भी नहीं जाने देंगे, ये हमारा आपकी तरफ से वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमसे जुड़ने के लिए, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपके साथ। कहीं ना कहीं कहने की बात यही है कि साइबर क्राइम से जुड़े जितने भी मामले हैं उसमें सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। सर ने जिस तरीके से बताया कि अगर हम सावधानी बरतें, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अच्छे से प्रॉपर सिक्योर रहे और अपनी जितने भी डिटेल्स है, वो पर्सनल डिटेल्स है, अगर वो ना बताए तो हम जो साइबर क्राइम है उससे बच सकते हैं। फिलहाल आज की हमारी इस खास मुलाकात में इतना ही, ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।